हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं आप सबके डिमांड पे ये वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था मेडर्मा जेल के ऊपर। उस पर मुझे बहुत कमेंट आए कि उसे वापस बताओ, यूज़ कैसे करना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली वापस बनाया है उन सब लोगों के लिए जो वापस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वापस से वो कन्फर्म करना चाहते हैं कि उसे यूज़ कैसे करना है और वो किस किस चीज़ में काम आती है। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरे पास ये है मेडर्मा जेल। इसका मैंने यूजेस बताया था आपको कि ये किस तरह से यूज़ होता है, और अब मैं वापस बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग की मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके ऊपर का कागज़ का रैपर बताया था, जो कि इतना कुछ इफ़ेक्टिव नहीं है पैकेजिंग में, जैसे कि इसकी प्राइस है उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग नहीं है। और उसके बाद आपको इस तरह से ट्यूब मिलेगी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल पैकेजिंग है। और इसका ये कैप आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से मिलेगा छोटा सा, जो कि बंद नहीं होता है। कभी कभी, बहुत ही रेयरली ये इसे घुमाते रहते तो भी ये बंद नहीं होता है। तो इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल, जैसे कि इसके प्राइस है, इसकी प्राइस है 450 रुपीज़। इतनी छोटी सी क्रीम का आपको 450 रुपीज़ देना है, और उस हिसाब से इसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं सजेस्ट करना चाहूँगी इसकी पैकेजिंग को थोड़ा सा अच्छा किया जाए। और इसके बाद में आपको आता है कि इसके यूजेस क्या है। इसके यूजेस है कि आपके स्कार्स है उसको रिमूव कर देता है धीरे धीरे। आपको ऐसा नहीं कि आपको लगाते ही पहले इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, इसे जल्दी रिमूव कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धीरे धीरे इसको इफ़ेक्ट देगा और धीरे धीरे इसे रिमूव करेगा। और इसका ये जले का निशान है, बहुत ही पुराना दाग है, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, स्ट्रेच मार्क्स है, या फिर ये स्टिचेस मार्क्स है, वो सारे रिमूव होंगे। लेकिन धीरे धीरे, आपको जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको इसे कम से कम 3 मंथ तो अप्लाई करना ही पड़ेगा रेगुलरली। और दिन में, अगर आपका बहुत ही पुराना दाग है तो मैं सजेस्ट करूँगी दिन में 3 बार लगाइए, और अगर आपका नया नया ही कोई दाग है तो आप उसे 2 बार अप्लाई कीजिए दिन में, सुबह मुँह धोने के बाद और रात को सोने से पहले, ये नहीं बोलूँगी सोने के बाद। इसे इस तरह से अप्लाई करना है, और ये आपके स्ट्रेच मार्क्स वगैरह, स्टिचेस मार्क्स, बर्न के मार्क्स, या फिर बहुत ऐसे पिंपल्स होते हैं जिनके मार्क्स रह जाते हैं पीछे ब्लैक, उनको भी ये रिमूव कर सकता है। और इसकी जो क्रीम है वो आपको एक ट्रांसपेरेंट जेल टाइप में मिलेगी, अगर आपको दिख रही होगी तो। और ये बहुत अच्छी है, मैंने इसे अप्लाई किया है तो मुझे थोड़ा बहुत तो रिज़ल्ट मिला है इसका, बहुत ही कम लेकिन थोड़ा सा रिज़ल्ट मिला है। आप इसे अकेले में अप्लाई मत कीजिए इसे, इसके साथ में आप अगर डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आपके स्टिचेस मार्क्स है तो। इसके ऊपर डर्मा रोलर को मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हुए हैं डर्मा रोलर के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं, और मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये बात तो हो गई इन सब की यूज़ेस की वगैरह। अब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने इसे डर्मा रोलर के साथ यूज़ किया है तो मुझे इसका हल्का सा लाइक 20% रिज़ल्ट मिला है, इससे ज़्यादा नहीं मिला है। तो आप अगर इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो और भी एक्सपेंसिव क्रीम्स आती है जिससे कि ऐसे मार्क्स रिमूव हो जाते हैं पर पूरी तरह नहीं होते। ये बात आप ध्यान रखिए कि कोई भी मार्क पूरी तरह रिमूव नहीं होगा, उसे हम लाइटली कम कर सकते हैं, लाइक 50% तक हम उसे कम कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं कि मेरा बहुत पुराना एक्सीडेंट हो गया था तो उसके मार्क्स रिमूव हो जाएंगे क्या।
हो जाएंगे पर कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल आपको स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि आपकी स्किन पहले के जैसी जैसी पहले थी वैसी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप धागा भी तोड़ देते हैं तो वो पहले के जैसा नहीं जुड़ता, उसके अंदर गांठ रह ही जाती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत तो मार्क रहेगा ही। तो उसका ये आंसर था, उन्होंने पूछा था। और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या कौन से मार्क्स रिमूव हो जाएंगे, तो मैंने उन सबका आंसर दे दिया है उन्हें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो गिव मी अ बिग थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप ऑन वॉचिंग माई अदर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।